गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा सर रिजल्ट आज का? रिजल्ट ठीक रहा है इसका। पहले भी थर्ड रैंक लाई थी क्लास में, इस बार भी थर्ड रैंक लाई। क्लास में थर्ड रैंक आई आपकी। कितने परसेंट बने सर? 96%। तो सर कैसा स्कूल की एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे आप? जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसका अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन करा है। पहले ग्रामीण इलाके में अपने स्कूल में जाती थी, लेकिन काफ़ी अच्छा कवर करा पहले, क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आके, तो इसके पीछे सभी का ही सपोर्ट रहा। मतलब स्कूल स्टाफ तो है ही सही, बाकी घर पे पेरेंट्स ने भी और सभी का एक संयुक्त प्रयास रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इसका। इंग्लिश हाँ अच्छा कवर करा। वेल स्पीकिंग? वेल स्पीकिंग थोड़ी सी दिक्कत आती, लेकिन अब छोटा बच्चा हो जाएगी, कर लेंगे। तो सर आप स्कूल को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से सर मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर इसलिए मैं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि घर पे बच्चा सुबह 7 बजे से आ जाता है और शाम को 5-5:30 बजे तक घर आ पाता है, तो दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के लिए समय नहीं मिल पाता। हालांकि स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, है ना, स्पोर्ट्स वगैरह में यूट्यूब वगैरह पे देखते रहता है, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ भी वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो समय और कम रहे तो घर पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिल जाता है। स्कूल का टाइम जाता है, स्कूल का समय जाता है। आप एक्टिविटी देखते हैं स्कूल के ग्रुप पे, फेसबुक पे? हाँ, ग्रुप पे मिल जाती है एक्टिविटीज़, और बाकी यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पेज पे भी, YouTube चैनल भी। हाँ, YouTube चैनल वगैरह है। सर एक्टिविटी के बारे में कुछ सजेशन किया है, कैसी लगती है एक्टिविटी, ठीक लगती है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए इस तरीके से? मतलब अदर कंपैरिजन में देखा जाए तो क्षेत्र के हिसाब से तो काफी अच्छी एक्टिविटीज है, क्षेत्र के हिसाब से देखे अपन तो। और बाकी और भी जैसे स्पोर्ट्स में, हालांकि होगी अभी ये छोटी क्लास में, तो शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतनी इसको नहीं करवाई। सर क्या हमारा स्कूल इसी बेस्ट पे है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, वही वही उन पे बोझ ना डाला जाएगा। अगर हम बोझ डालेंगे तो बच्चा क्या है फिर पढ़ाई से घबराता है, अगर हमने एक्टिविटी कराते रहेंगे ना तो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे भी सही, सीखेंगे सही, और स्कूल भी खुशी खुशी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या, इनका ब्रेन भी बहुत अच्छा चलता है, और स्कूल आने के लिए क्या वो एक उमंग रहती है कि नहीं यार चलना, अपने को एक्टिविटीज होगी, बाकी ओवरऑल अच्छा रहा। थैंक सर। ओके थैंक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपने कितना परसेंटेज बना है आपका? 92 बना है बालिका का। सर आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ मैं इस स्कूल से, और विशेषकर जो यहाँ का स्टाफ है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी जो गलतियाँ थी जो पिछले स्कूल में मैंने बालिकाओं को देखी थी, वो किसी प्रकार की गलतियाँ यहाँ पर नहीं है, और मैं यहाँ का जो स्टाफ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि वो बच्चों को जो है इतना मोटिवेट करते हैं और बच्चों को हमेशा जो है प्रेरणादायी संदेश देते हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रूहानी मल्ल। कौन सी रैंक आई है आपकी? फोर्थ। फोर्थ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम? कमल राजूरिया। सर कमल सर, सर आपके बेटे और बेटी के कितने परसेंट? प्रियांशु के बने, ये मेरी लड़की है, इसके 93 और इसके कम बने। सर सर आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। सर स्कूल के बारे में और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में? स्कूल में स्पेशली एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती है जो बहुत अच्छा है, तो बाकी ओवरऑल सेटिस्फाइंग है। सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 9 out of 10। सर थैंक यू। ओके गुड आफ्टरनून सर। जी सर क्या कैसा रिजल्ट रहा आपका? बढ़िया रहा। कहाँ से आते हैं सर? पांड्या। क्या नाम है सर आपका? जितेन मंडल। जितेन सर। सर आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में मैडम यही है कि मतलब बहुत बेस्ट स्कूल है अपना, जिससे मतलब इन दोनों को अच्छी दिशा जो मिल रही है, मतलब जैसे अभी तक जो भी था, पर हाँ उसमें मतलब आगे बढ़ते बढ़ते में भी बहुत प्रोग्रेस चल रहा है उनका। जी सर। आपको स्कूल की एक्टिविटीज पढ़ाई वगैरह सब अच्छा लगा? सब सही, बहुत सारी चीज़ें जो है, स्टाफ बारे में, स्टाफ बारे में मतलब हर जो चीज़ है, क्योंकि स्कूल से सारी चीज़ें मैसेज है, सारी चीज़ें कन्फर्म, मतलब हर चीज़ अपने को पहले से ही मालूम हो जाती है, तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। मतलब आपको पढ़ाने का तरीका सब चीज़ें पढ़ाने का तरीका हो रहा है, भीम गुरुकुल स्टाफ का मतलब परिवार और सारी चीज़ जो भी आपने बताया ना, कि हर चीज़ें मतलब अदर दूसरे में तो अपन गए नहीं, मतलब जो पहले पढ़े थे, पर हाँ इसमें हर चीज़ अपने को सामने से ओपन, बहुत बढ़िया। ओके सर। सर आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में से 10 देना। जी सर थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने रिजल्ट ले लिया? जी सर। कितना परसेंटेज है? 85। आप कहाँ से हो? कनासिया। कौन सी क्लास में हो आप? 3rd B। क्या नाम है आपका? रिया। कौन सी रैंक आई है आपकी? फर्स्ट रैंक। सर आप स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वेरी गुड। और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट तो है बच्चे में। और पहले से भी रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट? हाँ रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट है। और सर आप स्कूल को 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? 9.5। थैंक यू सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। सर राजेश सर, आपकी बेटी के कितने परसेंट बने हैं? 98% बने हैं। सर आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है रिजल्ट से। सर आप स्कूल और उनके एक्टिविटीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल और इसकी जो एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जो बाकी जो एक्टिविटी स्पोकन वगैरह, इनसे संतुष्ट हैं सर। सर सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10 मार्क्स देना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। सर कैसा रहा आपके रिजल्ट? बहुत अच्छा रहा मैडम। सर सर आपको स्कूल का स्टाफ, स्कूल की पढ़ाई के बारे में क्या कहना है सर? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, एक नंबर चल रहा है सर। स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स में अदर एक्टिविटीज और जैसे आज रिजल्ट का रहा, इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा लग रहा है सर। प्रिंसिपल सर का, स्टाफ का, टीचर्स का नेचर वगैरह, पढ़ाने का तरीका, सबका नेचर अच्छा है। अच्छा ठीक है सर, आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे स्कूल को? 10। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम क्या है? नितेश जाट। आप कहाँ से हो? सीहोदा। और आपका नाम क्या है? पूनम जाट। और आपके कितने परसेंटेज बने? 93%। कौन सी रैंक? सेकेंड। और आप स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी है, बच्चे उनको बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, इधर कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। और स्कूल के आप 10 में से कितना मार्क देना चाहोगे? क्या 10 में से कितना मार्क देना चाहोगे स्कूल को आप? 10 में से 10। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम? महेश जलोदिया। सर महेश सर, आपके बेटे के कितने परसेंट बने? 98%। सर आप इन परसेंटेज से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है, बढ़िया है एकदम। सर आप स्कूल के बारे में और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में? स्कूल एक नंबर है, बढ़िया है। और आप क्या सुझाव दूँ मैं? मेरे पास तो सुझाव नहीं, कितने सुझाव हैं यहाँ पे। सर आप स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा आपका रिजल्ट? अच्छा रहा। कितने परसेंट बने? 98। तो आपको रिजल्ट, हाँ रिजल्ट के बारे में कुछ कहना है? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और मैं स्कूल के टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। और आप स्कूल में 10 मार्क में से कितने मार्क देना चाहते हैं? 10। थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा बच्चा का रिजल्ट? बढ़िया रहा सर। कितना परसेंट बने? 97। सर स्कूल की पढ़ाई के विषय में कुछ बताना चाहेंगे, कैसा लगा स्कूल का? स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है और जो पढ़ाई करवाने का यहाँ का जो तरीका है ना, वो बच्चों का बिल्कुल अलग तरीके का है। मतलब ज़्यादा घर पर वर्कलोड नहीं देते हैं, उसके बजाय स्कूल में ही उसको पूरा करवाया जाता है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी इस स्कूल की, बाकी सब जगह घर पे होमवर्क दे दिया या जो ऑन टाइम वर्क दिया जाता है जो प्रेजेंट में यहाँ टीचर के सामने, वो बढ़िया रहता है। बच्चा अगर कोई त्रुटि करता है उसमें तो टीचर वहीं पे उसको ठीक करवाते हैं। और सर एक्टिविटी बेस हम सिखाते हैं हमारे स्कूल में, तो इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ये छोटे से लेकर बड़े तक का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चों के लिए सिर्फ एक्टिविटी हो, क्योंकि जो बच्चा बचपन से जो देखता है ना वो वही करता है। फिर अगर बच्चा अगर फर्स्ट से अगर वो एक्टिविटी अगर करना चाहे तो काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगा, जब तक वो बड़ा होगा 9th 10th तक जाएगा तब तक काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। तो सर अब जैसे आपने बताया कि बाहर रहते हैं BSF में, तो जैसे बच्चा घर पे पढ़ता है तो पढ़ाई का स्कूल तरफ से मतलब इनिशिएटिव कितना है कि आपको टेंशन फ्री होकर रहते हैं ड्यूटी पे? ना टेंशन, कभी कभी तो पूरी तरह से टेंशन दे देता है। तो बढ़िया रिजल्ट रहा सर? हाँ ठीक रहा। ओके थैंक यू सर। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप कुछ स्कूल के बारे में कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में, मैंने इसी साल संडिया का एडमिशन करवाया था और उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया है और स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है और हमको यहाँ का सब कुछ अच्छा लगा जी। वैसे कौन सी क्लास में है वो? 3rd A। कौन से रैंक बनी है उसकी? उसकी 5th रैंक बनी है। कितने परसेंटेज पे? 93। और आप कहाँ से हो? गोरवा से। और स्कूल को आप पे 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? 10 में से 10 देना चाहेंगे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। सर भैया का? इसका अंशिका पटेल। सर कैसा रिजल्ट रहा इनका? इनका रिजल्ट रहा है 97% बना है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सर आपको कैसा लगा स्कूल?
ठीक है, बाकी मतलब बढ़िया है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, एक्टिविटीज में, टीचर्स के बारे में, स्पोर्ट्स भी? तो जैसे लास्ट ईयर से इसका एक लेवल अप हुआ है, उसके बाद बेसिक हाइजीन और मैनर भी इसका अच्छा हुआ है। बाकी जो थोड़ी सी अगर स्पीकिंग जो स्किल्स हाँ। है वो अगर बढ़ जाएगी तो 100% हो जाएगा इसका। ओके, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके यहाँ का एटमोसफियर? हाँ, एटमोसफियर माहौल सब ठीक है, बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 आउट ऑफ 9, 9.5। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।